सीता देवी, आप गीता पर हाथ रखकर कहिए कि जो कुछ कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो गीता देवी, आपका कहना है कि वो जो तीन आदमी मुजरिमों के कटहरे में खड़े हैं उनका कोई चौथा भी साथी था? जी हाँ था। क्या आप जानती हैं कि आपका भाई विक्रम पुलिस का मुखबिर था? बिल्कुल जानती थी साहब। मी लॉर्ड, ये केस आईने की तरह साफ है क्योंकि मकतूल विक्रम पुलिस का मुखबिर था और पुलिस के रिकॉर्ड से पता चलता है किसी की इंफॉर्मेशन से कई डाकू मारे गए और कई डाकू गिरफ्तार कर लिए गए, लिहाजा ये बदले की कहानी विक्रम की मौत के साथ खत्म हो जाती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। ये तीनों शराफत और इज्जत के पुतले दरअसल किसी एक डाकू की कठपुतलियां हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मी लॉर्ड, ये समाज के दुश्मन है, ये भी इतना ही खतरनाक है जितना कि वो डाकू। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं अदालत से अपील करता हूँ इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आई स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई आल्सो स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर द वेरी प्रेजेंस ऑफ सच क्रिमिनल एंड मर्डरर्स। ऑर्डर योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त ये शायद भूल गए हैं कि जब तक गुनाह साबित ना हो इस कटहरे में लाया गया हर इंसान बेगुनाह होता है। हां तो कुमारी गीता, आप अपने भाई को कितना चाहती थी? ये भी कोई पूछने की बात है साहब? मेरा तो एक ही भाई था। भाई क्या, मेरा संसार था, मेरी जिंदगी था। कुमारी गीता, आपके भाई की हत्या करने जो चार आदमी आए थे, आपका यह कहना है कि उन चारों ने गोलियां चलाई थी? हाँ। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर, अगर चार आदमी किसी का कत्ल करेंगे तो चश्मदीद गवाह को जिंदा छोड़कर फांसी का फंदा अपनी गर्दन में नहीं डालेंगे। और सेकेंडली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल विक्रम के जिस्म से एक गोली बरामद हुई और वो भी उसके सर से, चूंकि फायर कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर किया गया था और रिवॉल्वर मकतूल के हाथ से बरामद हुआ और उस पर सिर्फ मकतूल की उंगलियों के निशानात पाए गए। इससे यह साबित होता है कि कुमारी गीता का यह बयान एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इट्स ए केस ऑफ सुसाइड एंड नॉट मर्डर। यह हत्या का नहीं आत्महत्या का केस है। आप हत्या को आत्महत्या कहते हैं, सच को झूठ और दिन को रात कहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था वकील साहब, राखी का दिन था, कितना खुश था मेरा भाई। इस बार सोने की कंगन लूंगी। हाँ मेरा बस चले तो मैं दुनिया की हर खुशी तुझ पर निछावर कर दूं। ला खाने के लिए क्या लाई, बहुत भूख लगी। रोटी है, आलू की सब्जी है। क्या बात है, गर्मा गर्म रोटी, मजा आ गया। भैया ये क्या है? रीता, इससे दूर की चीज बहुत करीब दिखती है। तू एक काम कर, तू दूर जाकर उस पुलिया पे जाकर बैठ, मुझे देख, मैं तुझे वहां से बहुत करीब दिखूंगा। इतनी दूर से? हाँ उतनी दूर से। एक निहत्ते के सामने तीन तीन आदमी बंदूक ले खड़े हो? अबे खौचू के, तूने की पुलिस के साथ मुखबरी, हमारे कई आदमी ऊपर को पहुंच गए। यह टाइम बाद अगर तू इसके मधुर संगीत के खत्म होने से पहले आकर अपने खेतों से बाहर निकल जाएगा तो हम तुझे माफ कर देंगे।
अबे दुर्योधन, तू मुझे क्या संगीत सुनाएगा? अगर माँ का दूध पिया है तो ये पिस्टल मुझे दे दे। देख, मैं तेरे साथ कोई मुकाबला करने को नहीं आया, करने आया हूँ मैं तेरी हत्या। अगर तूने भागना शुरू ना किया तो मैं तुझे खड़े खड़े मार दूंगा, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अबे क्या सोच रहा है? मैं शुरू करता हूँ अपना मधुर संगीत और तू शुरू कर दे भागना। बज रहा है, भाग ले, भाग, बज रहा है, भाग ले, बज रहा है। जल्दी बाजी हार जाते हैं। मैंने पास सोच क्या रहा? चला गोली, चला गोली। आपकी कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ कमजोरियां हैं। योर ऑनर, अगर अदालत थोड़ी देर के लिए कुमारी गीता की इस झूठी कहानी को सही मान भी ले तो मैं अदालत को यह बताना चाहूंगा कि कत्ल के दिन मेरे ये तीनों मवक्किल मौके वारदात से 100 किलोमीटर दूर थे, और रही चौथे आदमी की बात तो मेरे ख्याल से वो महज एक फर्जी किरदार है। इसका आपके पास कोई सबूत है? है योर ऑनर। मैं जानता हूं कि इंसाफ की बुनियाद सबूत पर होती है। मैं अपने बयान को साबित करने के लिए चंद गवाहों को पेश करना चाहता हूं। मेरे पहले गवाह श्री किशन कपूर हैं, जो ग्वालियर में अनाज के थोक के व्यापारी हैं। मैं उन्हें बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हां तो कपूर साहब, 16 अप्रैल को अदालत में मौजूद तमाम लोगों में से आपके गोदाम में कौन कौन आया था देखिए। मुखिया जी, राम लंगम, चैतन्य साहब, कमाल हो गया जी। अच्छा, आप इन लोगों को पहचानते हैं? ये सारे ग्राहक, मैं ना ताबेदार। तो 16 अप्रैल को ये तीनों सज्जन आपके गोदाम पर आए थे? बिल्कुल आए थी। एक महीने का राशन निकलवाया, उठे रोटी खाधी, फिर मैं मुंडे नु भेज के टेम्पो मंगवाया। तुसी जानते हो कि डीजल की कितनी प्रॉब्लम होती है, रोज रोज हड़ताल होती है। तुहाडे कोर्ट च हड़ताल नहीं होती? नहीं कपूर साहब, कोर्ट और पुलिस थानों में हड़ताल नहीं होती। क्यों होवे हड़ताल, जिथे होवे माल। हाँ तो कपूर साहब, ये तीनों साहिबान आपके गोदाम में कितने बजे आए और कितने बजे गए? वकील साहब, तनु की दसा, ये तीनों सवेरे सवेरे 9 बजे आए, शामी 5 बजे चले गए। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर, मेरे तीनों मवक्किल 16 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मौका वारदात से 100 किलोमीटर दूर मिस्टर कपूर के गोदाम में थे, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल विक्रम की मौत दोपहर को 2 और 4 बजे के दरमियान हुई है। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस? नो क्वेश्चन। तुकाराम बोर कर। हाँ बोर कर। टेम्पो चलाते हैं? अरे साहब टेम्पो क्या, जंबो जेट भी चला सकता है। बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 16 अप्रैल को आप अपने टेम्पो में कितने बजे से कितने बजे तक और कहां से कहां तक गए? 16 अप्रैल है ना, डायरी बघून सांगतो, आपल्याकडे पण डायरी आहे। ओ प्रायव्हेट आहे, तुम्ही काय बघताय? हा 16 तारीख, 16 तारीख को 5 बजे मुखिया साहब का माल टेम्पो में लोड करके उनका 2 आदमी लेकर लिंगम और सक्सेना साहब। रामलिंगम, अरे रामलिंगम, हम समझा साहब 8 बजे पहुंच जाएगा,
पर नशीबचा भाईलाचा घोट क्या बहुत खराब सारा साहेब। अच्छा ये बताओ उसके बाद मुखिया जी और उनके ये साथी कहाँ गए? कुटे जाते साहेब उधर बहुत गेस्ट हाउस है जाके सो गया होगा। अपन अपना टेम्पो बनाया 17 तक सुबह 6 बजे निकला 9 बजे टच। योर विटनेस नो क्वेश्चन। हाँ तो भोज बाबू 16 अप्रैल को आपके गेस्ट हाउस में कौन कौन ठहरने आया था? देखिए वकील बाबू हमारा मेमोरी तो बहुत कमजोर है, हमको कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए हम वही अपना वही खाता ले आया है। कौन सा तारीख बोला? 16 तारीख को मिस्टर और मिसेस शर्मा आया, नया नया शादी किया था, शायद हनीमून करने आया। हम दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो हमारा कान तो खड़ा हो गया। ऑर्डर ऑर्डर। उसके बाद आया मुखिया जी, उसके साथ आया सक्सेना और फिर रामलिंगम। रात भर रहा, भोर वाला चला गया। 16 अप्रैल को ये तीनों आपके गेस्ट हाउस में रहे हैं। इसका सबूत है आपके पास? ये क्या, उनका दस्तखत इसमें है, सिग्नेचर देखिए ना। योर ऑनर मैं इस रजिस्टर को बतौर एलबी अदालत में पेश करना चाहूंगा। दे देगा इसको? योर विटनेस नो क्वेश्चन। योर ऑनर ये बात साबित हो चुकी है कि ये तीनों शरीफ आदमी वारदात के दिन इलाके में थे ही नहीं, लिहाजा अदालत से मैं दरखास्त करूंगा कि मेरे तीनों मवक्किलों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि इस लड़की के भाई का कत्ल नहीं हुआ बल्कि उसने आत्महत्या की है। ये झूठ है जज साहब, वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, इनके ये लाए हुए गवाह झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से अपने भाई का खून होते हुए देखा है। कानून किसी की आंखों से नहीं देखता, वो गवाहों की शहादत को सुनता है और फैसला करता है। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये तीनों मुलजिम यानी मुखिया, मिस्टर सक्सेना और मिस्टर रामलिंगम बेकसूर हैं। इसलिए अदालत ने बाइज्जत रिहा कर दी। ये इंसाफ नहीं, बेइंसाफी है, कानून का मजाक है, ये सब झूठ है जज साहब। मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरा विश्वास कीजिए, कोई मेरा विश्वास कीजिए। क्यों गीता, कानून के दरवाजे से इंसाफ मिला? हरामजादे! पापी, पहले तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया और आज तूने मुझे विधवा बना दिया। माँ भवानी तुझे ऐसी मौत मारेगी कि दुनिया कांप उठेगी। माफ करना माँ भवानी। जब तक इस घड़ी का संगीत बंद होगा तब तक तू मेरी हो चुकी होगी। क्यों? शेर खान, अबे तुझे भी इसी वक्त आना था। बल्ला भाई, बल्ला भाई थोड़ी सी देर हो गई दोस्त, वरना खुदा की कसम जिंदगी तुम पे कुर्बान कर देता। ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई तो है, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब पुलिस मुझे तलाश कर रही थी और तुमने अपने घास की गाड़ी में मुझे छुपा दिया था। मेरी बेटी गीता। गीता? गीता आज से मेरी बेटी है।
आज तो मेरी बेटी है बलराम भाई। बलराम, बलराम भाई। जिस अंधी कानून ने मेरी भाई की हत्या, उस कानून के पास अपने माँ बाप के कत्ल का इंसाफ मांगने कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, बल्कि अपने खानदान के खून की एक एक बूंद का बदला लेने के लिए आज से कानून मेरी मुट्ठी में होगा। जानता है इंतकाम की आग से ज्यादा जलने और जलाने की ताकत दुनिया की किसी आग में नहीं है। हर वह इंसान जो कभी डाकू था या है या बनेगा, इस आग में जलता या जलाता जरूर है। गीता जो इस गिरोह की जान है, जो इंतकाम को अपना ईमान बनाकर जी रही है, आज से हम उसका नाम ज्वाला रखते हैं। इंस्पेक्टर, ऐसे ज्वाला डाकू ने किसी लाला को धमकी देती है? जी हाँ, लाला राधेश्याम को यहाँ ही रहता है। श्योर, आप कौन है? असी एबीसी डिपार्टमेंट दिया। एबी? अरे साहब आप फिर बहुत जल्दी अन्य अमीर हो गए। अरे साहब, इसी अमीरी ने तो लोगों के सीने पर मूंग डाल दी, वरना मैं पुलिस में मुखबिरी करता था और चार पैसे कमा लेता था। पिसा, पिसरा। कूनून, एबीसी क्या मुहकमा है? आप नहीं जानते हैं, एबीसी नहीं जानते हैं, अंदर बाहर कमेटी। इस चला क्या होता है, अंदर बाहर कमेटी क्या होता है? अंदर बाहर कमेटी भी नहीं जानते हैं आप? कमाल की बात है। डोली का आर्डर है, अंदर कमाल बाहर करने वाली कमेटी। समझ गया, हम बिना सना है। चला क्या है? आप पटना चुनू? चला तुम्हारा जीप गाड़ी फोट फोट क्या करता है? जब आपका भी फटेगा। फट साइलेंसर जीप का।
तो ऐसा ही फटफटाफट फटाफट फटाफट कोरता रहेगा। कमीने, तू पुलिस का नहीं डाकुओं का मकबर था, और तेरी ही मकबरी की वजह से मेरा भाई कीचड़ में मरा। भाई तुम भला हो, मगर तुम अंदर कैसे आ गए? बाहर तो पुलिस का पहरा है। मौत और ज्वाला को दुनिया का कोई पहरा नहीं रोक सकता। देखा, देखा। साहब ऐसा है ना, एक तो हमारी जीत की आवाज थी और दूसरी हमारी। यू ब्लडी डर्टी मैन, दाल खाए थे ना? लेफ्ट इंस्पेक्टर, चलो ड्राइवर। इंशाल्लाह रिकमेंडेशन का लेटर होएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अफसोस है कि आप बेकार में ड्यूटी बजाते रहे, मेरा काम हो गया। ज्वाला, ज्वाला बेटी, जिस दिलेरी और बहादुरी से तुम कानून और पुलिस से बचती आई हो, खुदा ने चाहा तो तुम्हारा हर इंतकाम जरूर पूरा होगा। बाबा, जब तक मैं दुर्योधन सिंह के खून से हाथ नहीं रंग लेती, मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। होगा इंशाल्लाह, जरूर होगा। जवाला 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 बनकर हमारे दिल को कब तक जलाती रहोगी गीता? दिल तो अब पहली नजर में जलाकर राख कर दिया, और अगर हम अपने दिल के हाथों मजबूर ना होते तो तुम गीता से जवाला बनने के लिए जिंदा ही ना रहती। ठाकुर, नेताजी आए हैं। परिणाम नेताजी, कहिए कैसे आना हुआ? हालात की मांग है, वक्त की पुकार है, हम तुम्हारे लिए कुछ चढ़ावा लेकर आए हैं। वाह 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 नेताजी, यह बक्सा देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम सारे देश का माल लूट कर ले आए। कमाल नेताजी, कमाल है, जी करता है तुम्हारी टांगे उठा के। नेताजी सुन लियो, अपना सर पर धर लो। ये सब तुम्हारा ही है, खोल कर देख लो। खोल लियो। हाँ खोल लो। अबे खोल लो नेता, कुछ लाया है? लोटे में चरना अमृत लाया है। ठीक कह रहे हो सरदार। चुप है। अबे नेता, इतने बड़े बक्से में इतनी सी ईंटे? ये खालिस सोना है, इसको बेचोगे तो ये पांचों के पांच बक्से नोटों से भर जाएंगे। ये 50 लाख का माल है। कितने का? 50 लाख। अरे नेता, जो तू अंदर से है वो तू बाहर से नहीं है, और जो तू बाहर से है वो तू अंदर से नहीं, इसलिए नेता कहलाता है, और मैं अंदर बाहर दोनों से एक हूं, इसलिए डाकू कहलाता हूं। लक्ष्मी का ये धातु रूप है, इसलिए सारी दुनिया इसकी पूजा करती है। लेकिन नेता, बिना मतलब कहे तो तू अपने सगे बाप के पास भी ना जाए। बोल, क्या मतलब है तेरा? क्या मांगा तेरे? बोल 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 बोल। मांग? मेरी कोई मांग नहीं, मेरी तो ये बरसों पुरानी ख्वाहिश है। अरे नेता जल्दी से बोल दे, बोला मेरे पेड़ की नसें तनती जा रही है। बोल, क्या चाहता तू? इसके बदले में हमें चाहिए 50 लाशें और 5 गांव की राख। राख? राख लेके हरिद्वार जा रहा है? कोई सवाल ना पूछोगे, इसकी कीमत भी इसमें शामिल है। और ये लो, मरने वालों के नाम और गांव के नक्शे, ये लो। वाह नेता वाह, आदमी मरे ने नाम पहले लिख दिया, यमराज का अवतार लगता है। कोई बात नहीं नेता, काम हो जाएगा। और राणा, नेता की आंखों पे पट्टी बांध के इनको शरीफों की बस्ती में छोड़ा।
जाओ नेता जाओ। प्रणाम। कितनी अच्छी है सरकार जो कहती है गरीबी हटाओ, पर इस जैसे देशद्रोही हमें माल देके कहते हैं गरीबों को हटाओ। गरीबों के मकान जलाकर नंगे भूखे इंसानों का खून बहाकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? मौजूदा हुकूमत में हंगामा होगा और फिर ताकत हमारे हाथ में होगी। ताकत के नशे ने तुम्हें इंसान से शैतान बना दिया है। यही नशा फिरौन और सिकंदर को भी था, मगर उन्हें क्या मिला? सिर्फ दो गज जमीन। हम दुनिया की अदालत के मुजरिम जरूर हैं, मगर उस परवरदिगार की अदालत से डरते हैं। इससे पहले कि हमारी पिस्तौल तुम्हारा इंसाफ करे, चले जाओ यहां से। भैरव, इस कुत्ते को सरहद के बाहर फेंक दो, जाओ। जुर्म करेंगे हम, बदनाम होगी ज्वाला। चलो। दुर्योधन ने ज्वाला के नाम पर सैकड़ों गरीबों का खून बहाया, गांव के गांव जलाकर राख कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया। जितने दुर्योधन के गुनाह बख्शे गए, उतने ही ज्वाला की बदनामी बख्शी गई। पुलिस ज्वाला की तलाश में चारों तरफ फैल गई। 50 लाख की लालच में दुर्योधन ने हजारों इंसानों का खून बहा दिया और तुम्हें बदनाम कर दिया। दुर्योधन कहाँ है? वो तो अड्डे पर नहीं है। मुझे वहां पर ले चलो। अपने साथियों से कहो कि अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो। चलो। अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो। पागल तो नहीं वाला है? अरे अभी से सरदार बनने के सपने देख रहे हैं क्या तू? उन पर गोलियां चलाओ, अपने ही साथियों पर, वरना एक गोली तुम्हारे लिए काफी होगी। अब जाओ। डरो मत। सारी दुनिया जानती है कि ज्वाला ने कभी बच्चों, बूढ़ों, औरतों और निहत्थों पर गोली नहीं चलाई। पुलिस आ गई है। लगता है दुर्योधन की जिंदगी के कुछ और दिन बाकी है। तुम सोना लेके आओ। थारे रयो, थारे रयो, थारे लुटाने के लिए लूट का माल बचा ही कहा, सब ज्वाला ले गई। क्या? उसने अपने अड्डे पर हमला किया, आप नहीं मिले तो सारा सोना उठा कर ले गई। यह सोना ज्वाला को मौत की नींद सुला देगा। लेकिन मैं एक बात पूछूं, ये पुलिस क्या कर रही है? ज्वाला को अंदर धार क्यों नहीं लेती? ये लूट मार खून खराबे इलेक्शन से पहले शर्म की नहीं बल्कि अफसोस की बात है। ऐसे हालात पुलिस को निकम्मा साबित कर देंगे। इस वक्त मुल्क को वादे नहीं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए।
किसी भी हालात में वो मुजरिम गिरफ्तार होने चाहिए। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? एक्सक्यूज मी सर। हाँ आफ्ताब सर, होम मिनिस्ट्री ने स्कॉटलैंड यार्ड ट्रेंड ऑफिसर मिस्टर सागर को एंटी डकैती ऑपरेशन के लिए भेजा है। ये उनकी फाइल है। गुड, लेकिन कब आ रहा है वो? सर वो आ तो चुका है लेकिन शादी करने गया है। मेरे बचपन का दोस्त है सर, इसलिए मैं शादी अटेंड करना चाहता हूँ। अरे तुम्हें दिखता तो है नहीं, गलत जगह चले जा रहे हो मियां। अरे एक्सपीरियंस आदमी की बात तो सुनो। सुनाओ। अच्छा देखो, तुमने शादी तो अपने चाचा जी की पसंद की लड़की से कर ली, लेकिन जानती हो सुहागरात किसके साथ मनाने जा रहे हो? क्यों? मेरी बीवी के साथ। तुमने अपनी बीवी की शक्ल देखी है? अभी देखूंगा। अरे वो तो आप अंदर जाकर देख लेंगे। ये लो, पहले सैंपल बाहर देखते हुए जाइएगा, ये उसकी तस्वीर है। अरे तस्वीर देखकर तो बाप याद आया, अंदर जाओगे तो नानी याद आएगी बेटा। बेगम, तुमने दुल्हन को तस्वीर दे दी? बिल्कुल दे दी। मैं चलूं, मुझे जाना है। आते ही कहते हो जाना है जल्दी है, आते ही कहते हो जाना है जल्दी है, जाने दो आएंगे फिर कल ये वादा है आपका। ये आना जाना कर देगा दीवाना। आते ही कहते हो जाना है जल्दी है, जाने दो आएंगे फिर कल ये वादा है आपका। ये आना जाना कर देगा दीवाना। तौबा के पहला मिलन और ये बेकरारी तो हद से ज्यादा है आपका। ये आना जाना कर देगा दीवाना दीवाना। आपका ये आना जाना कर देगा दीवाना।
देखो देखो जी दुनिया से बच बच के चलना कि तुम भोले भाले हो, दिल सीधा सादा है आपका, ये आना जाना कर देगा दीवाना दीवाना, आपका ये आना जाना कर देगा दीवाना। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर सागर, होम मिनिस्ट्री ने तुम्हारी रिक्वेस्ट मंजूर कर ली है। तो सर क्या मैं ये समझूं कि मुझे इस ऑपरेशन को अलोंग विद आफ्ताब अपने तरीके से हैंडल करने की इजाजत है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, हमें तो रिजल्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, अब आपके सामने मैं नहीं रिजल्ट्स आएंगे। गुड, क्या मैं वो डाकुओं की फाइल देख सकता हूँ? हाँ, व्हाई नॉट। आफ्ताब सर, सागर देख तो लो, लेकिन इसमें एक डाकू की तफसील नहीं है। वो कौन है? ज्वाला। अगर वो ज्वाला है तो मैं सागर हूं। सागर और आफ्ताब की चाल ने डाकुओं का जीना हराम कर दिया। कई डाकू मारे गए, कई गिरफ्तार हो गए, जो बच गए वो पुलिस से बचने के लिए दिन रात भागते और छिपते रहे। और फिर वो क्या माना थे लाला, अगर वक्त ज्यादा लग गया तो जो लोग घर के अंदर हैं उन्हें भूख मार डालेगी और जो घर के बाहर हैं उन्हें मायूसी मार डालेगी। मगर मैं क्या करूं शेर खान, आजकल पुलिस हर रास्ते का पत्थर उठाकर चोरी का माल ढूंढ रही है। इस इलाके से बाहर जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी कर रखी है। इस हालत में सोना तो क्या, सुई भी चोरी हो जाए तो पकड़े जाने का डर है। ठाकुर, आज मैंने ज्वाला के आदमियों को सुनार जगन्नाथ के आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाते थे। सुनार जगन्नाथ! अरे सेठानी, तू अपने आप आज सोने आ गई है बिस्तरे पर, क्या बात है, ये कड़क क्या है? अबे हाथ हटा ले वरना छूट जाएगी। अब बता वो सोना कहाँ है? कौन सा सोना? अबे खोंचू के, वही सोना जो तेरी अम्मा ज्वाला ने तुझे गलाने के लिए दिया है। मेरी अम्मा का नाम ज्वाला नहीं, माला था ठाकुर, उसने मुझे पैदा करके सोना नहीं जिंदगी भर का रोना दिया है। अबे लाला, रोना तो मैं तेरा निकालूंगा ऊपर से भी और नीचे से भी, सच सच बता सोना कहाँ है? मुझे अपनी औलाद की कसम ठाकुर, सोना मेरे पास नहीं है। औलाद से मुझे याद आया कि तेरी बेटी को तो मेरे आदमी उठाकर ले गए। क्या? हाँ देवी जी, लाख रुपए लेकर आया हूँ, मगर ये उसने मेरी बेटी की इज्जत की कीमत रखी है, जान की कीमत आप और सोना। तुम फिक्र मत करो लाला, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है। राव शैतान दुर्योधन का सवाल तो रसूल अल्लाह की कसम, सोना तो उसको पड़ेगा ही, लेकिन मौत की नींद। सजन तेरी नजर लगी, सजन तेरी नजर लगी।
सजन तोरी अंगना, सजन तोरी अंगना, जवाब हर सवाल का टूटा टूटा कंगना, टूटा टूटा कंगना, हमसे क्या खबर, हमसे क्या खबर, हमसे क्या खबर हरे, हमसे क्या खबर फिसला हाय मेरा पे, हमसे क्या खबर फिसला हाय मेरा पे। अभी तक सोना लेकर नहीं आए, कोई बात नहीं, हमें तो सोना चाहिए ना, चल सो जाते हैं। छोड़ दे मुझे कमीने कुत्ते। अबे मेरे दादा परदादा का नाम काय को ले रही है, लेना है तो मेरा ले, खूब ले, प्यार से ले, ले लेना। अबे कौन है? लड़की को लेकर बाहर आ जाओ। हम सोना लेकर आ गए हैं। अबे खोजो, खोलो इसको। आ रहे हो? ले चलो इसको भी साथ।
बेटा हम खाली ढाबे का बदला है, भरी हुई छोरी नहीं दे सकते। छोरे चल निकल ले। चल you
महल। चाचा, क्या हुआ चाचा? लगता है दुर्योधन ने सोना ले लिया है। नहीं नहीं चाचा। बेटे ये कुरान, कुरान मजीद 786 ला इलाहा इल्लल्लाह। लाला की लौंडिया की शादी है? हाँ। बड़ा कमीना है लाला, हमें न्योता ही नहीं भेजा। है कोई बात नहीं, हम उसे मौत का न्योता भेज देते हैं। तुमने हमें बेटी की शादी में नहीं बुलाया है, हम तुम्हारी बर्बादी लेकर आएंगे। अरे लड़कियों बाहर जाओ, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? बाहर दूल्हा आया है, बारात आई है, जाओ जाओ जाकर देखो, जल्दी जाओ। अब क्या करें? से तो बाद में निपट लूंगा, पहले दुल्हन को बचाना जरूरी है। बेचारा, ये लाला का होने वाला दामाद मेरे चक्कर में कहां फंस गया? इसे अगर यहां जंगल में इसी हालत में छोड़ दिया तो जंगली जानवर खा जाएंगे। इसे तो बचाना ही पड़ेगा। दूल्हा जी उठिए। दूल्हा जी, इसका मतलब इस बेचारी ने अपने होने वाले दूल्हा की शक्ल तक नहीं देखी?
अगर मैं अपनी असलियत बता दूंगा तो बेचारी को बदनामी का डर होगा। आप ठीक तो है ना? ऐसे क्यों देख रहे हैं? ठीक हूं दुल्हन, सोच रहा था सपना तो नहीं देख रहा हूं। मैं भी यही सोच रही थी। इस जंगल से निकलने का रास्ता तलाश करना है। चलो बता रहे थे, शायद कल रास्ते मिल जाएगा।
दुल्हन भूख लग रही है बहुत। तो पहले क्यों नहीं बोला? शर्मा रही थी। शर्माओगी तो भूखी मर जाओगी। लगता है जंगली लोगों ने मिठाई दी। मुझे तो पूरी कचौरी की खुशबू आ रही है। जो कुछ भी हो शुरू हो जाए। अब क्या खाएंगे? मुझे तो लगता है जंगल में भूखों मर जाएंगे। Ha ha ha!
एमजीआर मेरा भैया हो, एमजीआर मेरा भैया, एमजीआर एमजीआर गोविंदा आला रे आला कदम की संभाल बिजवाला, गोविंदा आला रे आला कदम की संभाल बिजवाला, हे हे। लंबू से मिलेंगे दोनों जने, लंबू से मिलेंगे दोनों जने, लड़की की जिंदगी बचाने का एक ही तरीका है, अब इसे जिस्म के घर में देनी पड़ेगी। जो हुआ वो तुम्हारी जिंदगी बचाने का एक ही तरीका था। जिस तरह से होने को होने से पहले टाला नहीं जा सकता, उस तरह होने के बाद मिटाया भी नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं, एक औरत का अपना मर्द वही होता है जो पहली बार उसके शरीर को छूता है। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं सेठ धनीराम की बेटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ। जिस तरह तुम दुल्हन नहीं हो, मैं भी दुल्हन नहीं हूँ, लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम है ज्वाला, ज्वाला ठाकुर, और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, दुर्योधन की मौत। उसके बाद हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है ज्वाला,
क्योंकि मेरा नाम है पुलिस इंस्पेक्टर सागर और तुम्हें पकड़कर कानून के हवाले करना मेरा फर्ज है। मुलजमा की दरखास्त कि वो अपने मुकदमे की पैरवी खुद करना चाहती हैं, अदालत ने मंजूर कर ली है। अब सरकारी वकील ये साबित कर रहे हैं कि मुलजमा गीता ही ज्वाला डाकू है। यस योर ऑनर, ये साबित करना बहुत आसान है कि ये लड़की गीता नहीं बल्कि रामायण है और आप अपने झूठे गवाहों की मदद से ये बहुत आसानी से साबित कर देंगे। इंस्पेक्टर सागर, क्या ये सच है कि लाला जगन्नाथ की बेटी को डाकू दुर्योधन सिंह ने लगन मंडप से अगवा करने की धमकी दी थी? जी हाँ। और जब आपको पता चला तो दूल्हा की जगह खुद लगन मंडप में आपने बैठने की राय जाहिर की? जी हाँ। उसके बाद जो कुछ भी हुआ क्या आप अदालत को बताने की तकलीफ करेंगे? इन्होंने खुद ये नाम आपको बताया? जी हाँ। इन्होंने जो नाम बताया क्या आप अदालत को बताने की तकलीफ करेंगे? ज्वाला देवी, ज्वाला डाकू। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप इंस्पेक्टर सागर से कुछ पूछना चाहती हैं? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप विदेश से पुलिस की तालीम लेकर आए हैं। जी हाँ, मैं स्कॉटलैंड यार्ड से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। मुझे तो लगता है कि आप रेलवे यार्ड से तालीम लेकर आए हैं। कहाँ से तालीम लेकर आए? रेलवे। खामोश रहिए। I mean स्कॉटलैंड यार्ड से। इंस्पेक्टर साहब, इस अदालत में बैठी हुई चंद लड़कियों में से आप लाला जगन्नाथ की लड़की को पहचान सकते हैं जिसे दुर्योधन से बचाने के लिए आप शादी के मंडप में बैठे थे? नहीं। बहुत खूब। जिस लड़की के साथ आप शादी के मंडप में बैठे उसे आप नहीं पहचानते और मुझे आप ज्वाला डाकू के नाम से पहचानने का दावा करते हैं। क्योंकि आपने खुद कहा था। कोई ठोस गवाह है आपके पास जो ये साबित कर सके कि ये मैंने खुद कहा था? जी नहीं, कोई गवाह नहीं। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर इंसाफ की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो सिर्फ गवाहों और शहादतों को सुनकर फैसला करता है। मैंने ठीक कहा ना जज साहब? हाँ, ये सच है। हमारे कानून में इंसाफ करने का तरीका यही है। सुन लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सच साबित हुई और आप झूठ। आप क्या साबित हुए? अनुराधा देवी, आप इस लड़की को जानती हैं? जी हाँ। किस नाम से? देवी के नाम से। देवियों के भी कई नाम होते हैं, दुर्गा, पार्वती। देवी की पूजा की जाती है, नाम कुछ भी हो। हाँ, तो ज्वाला भी हो सकता है। अगर आप इनको ज्वाला देवी के नाम से पूछना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। वकील साहब, बाहर एक आदमी चिट्ठी दे गया। ओह गॉड। देवी देवी देवी, दुर्योधन ने धमकी दी है कि अदालत के बाहर से उठाकर ले जाएगा। ये देखिए चिट्ठी। वकील साहब, ये आपके हाथ में जो कागजात है वो मैं जरा देख सकती हूँ? Why not? देखिए देखिए। अरे जज साहब, माय बाप, देखिए हमारे वकील साहब की लिखावट और दुर्योधन की लिखावट बिल्कुल एक जैसी है। इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। क्यों वकील साहब, और कोई दाव बाकी है? ये मेरी एक चाल थी योर ऑनर, ये जानने के लिए कि इन्हें एक बार गीता उर्फ ज्वाला ने दुर्योधन सिंह से बचाया था और यही वजह है कि इस फर्जी धमकी को देखकर अनुराधा जी ज्वाला की तरफ मदद के लिए भागी। वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने वकील साहब। अगर किसी अबला को बचाने वाले को मुजरिम के कटेरे में खड़ा किया जाता तो शायद आपकी ये अदालत दुर्योधन से द्रौपदी को बचाने के जुर्म में श्री कृष्ण भगवान को भी यहां लाकर खड़ा कर देती। मैंने ठीक कहा ना जज साहब? तुकाराम की,
आपकी ये गर्दन टेढ़ी कैसे हो? अरे काय संगुल साहब, मेरा नसीब, इस लड़की ने अपने गैंग के साथ में हम एक रात को हमारे टेम्पो को रोका, मार मार कर मेरा गर्दन टेढ़ा कर डाला और मेरे टेम्पो का सत्यानाश कर दिया साहब। वकील साहब की तरफ देख के बात करो। हाँ साहब। माफ कीजिएगा तुकाराम जी, आपको घूमने में बहुत तकलीफ हो। खैर, आप इस लड़की को जानते हैं? अरे इस लड़की को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकता साहब, जवाला डाकू है, जवाला डाकू। आपको इनसे कुछ पूछना है? तुकाराम, मैं तुमसे गर्दन तोड़ूं टाकले? नहीं तर कर, मैं तो बापा ने तोड़ ली। जज साहब, माय बाप, हुआ यूं कि एक शाम में मेले से वापस आ रही थी कि एक टेम्पो आकर मेरे पास रुका और उसमें से ये आदमी निकला और इसकी बुरी नीयत देखकर मेरा खून खौल गया। बड़े तुकाराम, मेरा खून क्यों खौला? बदला लेने के लिए? नहीं नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए। बदला? कसला बदला भाई? वो मैं तुम्हारे अगेंस्ट गवाही दी थी ना। गवाही नहीं तुकाराम, झूठी गवाही दी थी। अरे पन साहब, एक ना गवाही दी थी ना। कपूर साहब, आप लंगड़ा क्यों रहे? इस लड़की ने मेरी टंग तोड़ दी थी। क्यों? ये लड़की अपने गिरोह के नाल मेरा गोदाम लुटने आई थी और मैं विचकार आ गया तो मेरी टंग तोड़ दी थी। आप इस लड़की का नाम जानते हैं? ज्वाला डाकू जिसने मेरी टंग तोड़ी है। That's all, Your Honor. आपको इनसे कुछ पूछना है? मैं क्या पापा जी, असी तोड़ी टांग कादे वास्ते तोड़ी सी? तोड़े नाल दुश्मनी तो सी। किस गलती दुश्मनी बादशाह? तोड़े खिलाफ झूठी गवाही दे दित्ती सी। ओए मैं मर गया। योर ऑनर, अब मैं एक ऐसा गवाह बुलाना चाहूंगा जिसकी मौजूदगी अदालत में यह साबित कर देगी कि यह लड़की गीता नहीं ज्वाला है। दुर्योधन, अभी अभी इस लड़की ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। ये लौंडिया बहादुर है, पर एक लौंडिया दुर्योधन की क्या जान लेगी? हैं? ये लड़की कौन है? डाकू है। ज्वाला इसके जुर्म का नाम है और जरम का नाम है इसका गीता। मतलब ये कि तुम इसको जन्म से जानते हो? आप है बाकेल। दुर्योधन, यह अदालत है, कम से कम यहां तमीज से बात करो, समझे? हाँ तो वकील साहब, अब तो ठीक है ना? दुर्योधन सिंह किसी भी लौंडिया को जन्म से नहीं जुर्म से जानता है। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि ये लड़की ही ज्वाला है? सबूत आपकी आंखों के सामने है वकील साहब। अगर ये ज्वाला डाकू ना होती तो दुर्योधन को देखकर आग की तरह क्यों भड़कती है? लेकिन ये तुम्हें जान से क्यों मरना चाहती है? आप है वकील, अब वकील साहब, मैं एक डाकू हूं, लूट मार खून खराबा और करना मेरी जिंदगी है। किसी के पास कोई भी कारण हो सकता है मेरी जान को लेने को। लेकिन ये ज्वाला ही है ना? जी हाँ। That's all, Your Honor. आपको इनसे कुछ पूछना है? जज साहब, मैं समझती हूँ ये अदालत इंसाफ के लिए बनी है, लेकिन जिस इंसाफ तक पहुंचने के लिए ऐसे नीच गवाहों की जरूरत पड़े, नहीं चाहिए मुझे ऐसा इंसाफ। इंसाफ के तराजू पर अगर सच को तोलने के लिए ऐसे वजन का इस्तेमाल किया जाए तो वो सच भी झूठ हो जाता है। मुझे और कुछ नहीं कहना है। इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। यार सागर, अगर गीता को अदालत ज्वाला साबित नहीं कर पाई और वो बाइज्जत बरी हो गई
तो तुम तो बेइज्जत हो जाओगे। जानता हूँ ये अदालत का मजाक नहीं, मेरे फ्यूचर और करियर का मजाक है। इसके बाद मैं ऑफिसर तो क्या, हवलदार कहलाने के लायक भी नहीं रहूंगा। इस केस में सरकारी वकील ये साबित नहीं कर पाए कि मुलजिमा गीता नहीं बल्कि ज्वाला डाकू है या कोई और डाकू है। अदालत की मौजूदगी में मुलजिमा ने एक गवाह पे हमला किया, इसलिए बाकी इल्जामात को नजरअंदाज करते हुए अदालत कुमारी गीता को। ठहरिए जज साहब, मैं इस कटहरे से उस कटहरे में जाकर कुछ बयान देने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मेरी कहानी इसी अदालत से शुरू होती है। याद कीजिए जज साहब, आपने इसी कुर्सी पर बैठकर एक दिन इंसाफ की जगह नाइंसाफी की थी, और आपके वकील साहब ने वो गुनाह किया था जिसे कानून की जबान में इंसाफ कहते हैं। मुझे उसी दिन यकीन हो गया था जज साहब कि इंसाफ की आंखों पर सिर्फ पट्टी नहीं बंधी हुई, वो सचमुच अंधा है। मेरे भाई विक्रम की हत्या को आत्महत्या साबित कर दिया गया। उसी रात दुर्योधन ने मेरी इज्जत पर हमला किया, मैं तो बच गई, लेकिन मेरे गरीब मां बाप, उनको उसने मार डाला। इस वारदात की तुमने पुलिस में रिपोर्ट की? जिस मंदिर में मूर्ति ना हो वहां पर कोई पूजा करने नहीं जाता जज साहब। अगर मैं कानून के दरवाजे खटखटाती तो आपके ये वकील साहब झूठे गवाहों की मदद से मेरे मां बाप की हत्या को भी आत्महत्या साबित कर देते। आज मैं इन्हीं वकील साहब से पूछती हूं कि कहां है आपके वो तीनों शरीफ और इज्जतदार मुवक्किल, बुलाइए उन्हें। उन तीनों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या कर दी गई? पुलिस की रिपोर्ट और सबूत ये साबित करते हैं कि उन तीनों ने आत्महत्या की है। सबूत सबूत सबूत, वकील साहब आपका ये कानून सबूत का गुलाम है, शहादत का मोहताज है। सच ये है कि आपके तीनों मुवक्किलों ने दुर्योधन सिंह के साथ मिलकर मेरे भाई विक्रम की हत्या की, और मैंने उसका बदला लेने के लिए पहले चक्कर खा गए से। आवाज औरत की और हाथ लोगन को जो है, जो कौन है? गीता, गीता थी जिसे किशन ने बोला और अर्जुन ने सुना। किसने सुना? अर्जुन ने। लेकिन गीता पर हाथ रख रख के तुम जैसे लोगों ने अदालत में इतने झूठ बोले कि गीता अब महाभारत बन गई है। मेरी ये चूड़ी पहनने वाले हाथ अब लोखन के हो गए हैं, यकीन नहीं आता? तो इस लकड़े पर खड़ा हो जा, एक हाथ मारूंगी तो किले की तरह गड़ जाएगा। मारे को खीरा काहे बनावे हो, कुछ माल मदद चाहे तो ले लो, अरे मैं सूद भी ना गिनू। अच्छा, तो तुझे गिनना भी आता है? जो है सो, सौ तक गिनती आवे है। फिर तो सौ तक गिन गिन के मारना पड़ेगा। क्या? अरे फिर तो पांच तक आवे है, पांच तक आवे है। तो फिर पांच तक गिनना शुरू कर दे। लाला, आज बिठा दिया तुझे इंसाफ के तराजू पर। अब बता दुर्योधन कहाँ है? गीता जी, मैंने बिल्कुल खबर नहीं, मैंने बिल्कुल खबर नहीं। देख मुखिया, जब तक ये शैतान जिंदा है मैं मर नहीं सकती, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जी नहीं सकता।
कौन नहीं जी सकता? मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता। तो बता दुर्योधन कहाँ है? गीता जी, जब वो पुलिस को नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तुम्हें, नहीं मिलेगा दुर्योधन, मुझे नहीं मिलेगा, मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा, फिर मेरे जीने का क्या फायदा है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। गीता जी, सारी लाश अगर हमारे गोदाम में मिले तो मैं अंदर। लाला, तू अपनी जान बचाने के लिए मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दे। ये ठीक है गीता जी। क्या लिखूं? लिख, मैं जिंदगी से बेजार हूं। बेजार हूं और आत्महत्या करने पर मजबूर हूं। मजबूर हूं। लो गीता जी, दस्तखत कर दो और आराम से मर जाओ, मारा का जावे। मैंने मरने का ख्याल छोड़ दिया है। दस्तखत तू कर और गोली मैं चलाऊंगी। तेरी हत्या को भी कानून उसी तरह से आत्महत्या समझेगा जिस तरह से मेरे भाई की हत्या को समझा था। मैं दस्तखत करूं। ठीक है, ये भी चलेगा, पुलिस के लिए तेरी लिखावट काफी है। बहुत पाप किए हैं तूने मुखिया। अयोयो, हमारा नौकर ने अभी तक आया कैसे नहीं? ये कलावती। अरे आओ ना। आओ रानी, आओ ना, हमारे घर का रानी आएगा उसका पहले आ जाओ। आओ बैठो ना। अरे रे रे, अरे नजदीक बैठो ना, ऐसा क्या करता ये रानी। इलियो सेठ जी, ये चिट्ठी बांच लो, तो हरदोस मुखिया जी ने भेजी है। अरे रहने दो ना, हम चिट्ठी बाद में पड़ेगा, पहले हम तुमको पड़ेगा जी। ये बहुत जरूरी है सेठ जी। ऐसा क्या? ठीक सो, हम पढ़ता चिट्ठी पहला। इमा ऐसा का लिखा है सेठ जी कि तुहार अम्मा याद आई ली रही, हम का भी सुनाओ ना। अरे अरे क्या सुनाओ, सुनो, मैं अपनी जिंदगी से बेजार हूँ और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर रहा हूँ। अरे हमारे दोस्त मर गए रे, अब हमको और दारू पीना पड़ेगा उसको बोलने को। अरे मुखिया, तुम मेरे को छोड़ के कहाँ गए रे? ऐसा अकेला दुनिया में छोड़ गया तो कैसा होगा रे? अरे ऐसा कैसा चलेगा रे दुनिया में मेरा? बस करो सेठ जी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, हमको और दारू पीने का है। तुहार गिलास दियो, तुहार आखिरी जाम हम बनाए के दे। हाँ तुम बना के दो, हमारा गम दूर करने का हमको। अरे हमारा दोस्त मर गया रे मुर्गा। इलो, इको खोल के पी जाओ। अरे हमारा दोस्त गोल हो गया, हम ये भी गोल करता। अभी हम गम भूल गया, अभी हमको तुम याद आया। गीता, गीता तुम इधर क्या करता? ये क्या है? मेरा आखिरी जाम सचमुच आखिरी जाम था। पता दुर्योधन कहाँ है? हमको नहीं मालूम, हम सच बोलता मुरुगन की कसम, हमको नहीं मालूम। तुम मत पता, लेकिन तेरी हत्या भी पुलिस में उसी तरह से आत्महत्या साबित होगी जिस तरह से मेरे भाई की हुई थी। अरे अम्मा अम्मा, तुम हमको गोली से मारेगा तो कानून तुमको फांसी पे चढ़ाएगा ना। कानून? कानून और अदालत की आंखों में धूल झोंकना मैंने तेरे जैसे लोगों से सीखा है, यकीन नहीं आता। तेरी आत्महत्या का सबूत, पापों का प्रायश्चित करने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर रहा हूँ। लेकिन लेकिन जहर किधर है? तुम तो हमको गोली मारता है। जहर तेरे आखिरी जाम में था। हाँ?
उधर हम कुछ हम कुछ आमा हम कुछ देखो हम वो टेबल हम कुछ देखा आमा आमा झूठ बोलने की आदत जानवरों को तो होती ही नहीं। सच सच बता दे दुर्योधन कहाँ मिलेगा? अरे भाई तू जानवर तो है ही, अगर तुझे गाली दूंगी तो भी तुझे कोई असर तो होगा नहीं। बता दे दुर्योधन कहाँ मिलेगा? क्या नहीं मालूम? अरे भाई तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। नहीं नहीं ऐसा जुल्म नहीं कर रहा, नहीं तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। अरे बेमौत कैसे मारे जाओगे जब मैं यहाँ पर हूँ? मैं ही तुम्हारी मौत हूं सक्सेना। अब भी बता दो दुर्योधन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, न जाने किस अंधेरे में छुपा बैठा है कंबा। तो फिर कानून की जिस किताब में मेरे भाई की हत्या को आत्महत्या लिखा गया था, तुम्हारा नाम भी उसी किताब में लिखा जाएगा सक्सेना, क्योंकि इंसानों की अदालत में घोड़ों की गवाही नहीं चलती। चल भाग। हाँ मैं ज्वाला हूं, मगर डाकू होने के बावजूद भी इतने गुनहगार नहीं हूं जितने की आप हैं। उस रोज अगर आपने सच्चा न्याय किया होता तो वो मासूम गीता ये खतरनाक ज्वाला नहीं बनती। कब तक, मैं पूछती हूं, आखिर कब तक आपकी अदालत में झूठ को सच बनाया जाएगा? मैं आज आपके इंसाफ को एक सच्चाई की भेंट देना चाहती हूं। हाँ मैं ज्वाला हूं, जो फैसला आप करना चाहें कर सकते हैं। कानून की तारीख में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसे कानून बरी करना चाहता था उसने कानून की इज्जत के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। ये अदालत इस लड़की के इकबाल जुर्म को और इस इकबाल जुर्म के पीछे जो सच छुपा हुआ है उसको सामने रखते हुए गीता उर्फ ज्वाला को 10 साल की सजा सुनाती है। ज्वाला आखिर कितनी ही तेजस्वी क्यों ना हो, उसे सागर के सामने तो बुझना ही पड़ता है। दुर्योधन, मेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है, बाहर निकल। जाने दो मुझे, अंदर जाने दो। अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे अंदर जाने दो। मैं उसे जान से मार डालूंगी। छोड़ दो, छोड़ दो। दुर्योधन इस जेल में नहीं है। तो कौन सी जेल में है? बोलो जरा, बोलो। याद रखो, जब तक दुर्योधन मेरे हाथों नहीं मरता इस मुल्क की कोई जेल मुझे कैदी नहीं रख सकती। छोड़ दो मुझे। दुर्योधन को कभी नहीं मार सकोगी। क्यों नहीं मार सकती? इसलिए कि वो मर चुका है। क्या? हाँ हाँ, दुर्योधन मर चुका है। कमाल है। बेहोश हो गई, एम्बुलेंस बुलाओ। सुनिए, ये औरत मां बनने वाली है। Really? Are you sure, doctor? Yes. सुनिए, कौन सा महीना है? चौथा महीना। चार महीने पहले जब मैंने इसे गिरफ्तार किया था तब सागर ऐसे ही। मुबारक हो, तुम मां बनने वाली हो और इत्तेफाक से होने वाले बच्चे का बाप भी मुझे आज ही मिलने आया। आओ भाई सागर, तुम बाहर क्या कर रहे हो? नहीं, आपने उन्हें यहां क्यों बुलाया?
घबराइए नहीं, कोई नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ अपना शक पक्का कर रहा था। अब मेरी समझ में आया कि अदालत में जीती हुई बाजी तुम क्यों हार गई। देखो गीता, जिंदगी का हर हादसा कहानी नहीं बनता। कहानी तो बन गई साहब, अब देखना है इसका अंजाम क्या होता है। ये क्यों नहीं समझती कि जिस पौधे को पनपने की इजाजत नहीं मिल सकती, उसे पानी दे देकर उगाने से क्या फायदा? मैं समझी नहीं। शायद तुम नहीं जानती कि जेल की सजा के दौरान पैदा हुए बच्चे को यतीम खाने में भेज दिया जाता है। माँ के होते हुए? जी हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारी इस औलाद को समाज के ठोकरे खाने के लिए क्यों पैदा किया जाए। समाज में तुम्हारी औलाद लावारिस कहलाएगी। मुझे समाज और दुनिया की कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक औरत का अपना मर्द वो होता है जो पहली बार उसके शरीर को छूता है। लेकिन इस बच्चे को दुनिया की ठोकरें खाने के लिए पैदा क्यों किया जाए? नहीं, नहीं। उन चंद दिनों की पहचान जो जन्म जन्म का बंधन बन चुकी है, उसकी पवित्र निशानी को मैं नहीं मिटा सकती साहब। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। तुम्हारी कुर्बानी की दूसरी मिसाल मैंने कभी ना देखी ना सुनी। आप मुसलमान हैं साहब, आपको कुरान पाक की कसम, ये राज आप कभी किसी को मत बताना। बहन, मैं वादा करता हूं ये राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं तुम्हारी जितनी कुर्बानी तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी औलाद की परवरिश की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे अपना खोया हुआ भाई वापस मिल गया। सागर? ताहत? अरे सागर तुम? अरे भाभी बच्चे कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। और सलमा भाभी की क्या हाल चाल? भाई सलमा भाभी का हाल भी ठीक है, चाल भी ठीक है। लेकिन ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? कोर्ट जा रहा था, थोड़ी एविडेंस देनी। इंस्पेक्टर सागर, तुम एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी गैर कानूनी हरकत कर चुके हो। तुम रास्ते के रॉन्ग साइड पर थे। सॉरी यार आफ्ताब, आज के बाद मैं गाड़ी सीधे रास्ते पर चलाऊंगा, आई स्वेयर। यार कमाल है, जुर्म करो तुम और नतीजा हमारे सर। सच्चा दोस्त वो है जो यार की गलतियों पर पर्दा डाल दे। ओके आफ्ताब, मैं चला। ओके सागर, बाय। पर्दा तो डाल दिया है तुम्हारी गलती पर, लेकिन डर इस बात का है कि जिस दिन पर्दा उठेगा उस दिन क्या होगा। पांच फुट ग्यारह इंच, यानी कि ये दीवार अपना से दुगनी है। अबे अरे, ग्यारह इंच को ग्यारह इंच में जोड़ो तो कितना होता है? मैं कोई गधा हूँ? एक ग्यारह इंच ही काफी है। अपन को अगर जोड़ना घटाना आता होता तो अपन को ये मालूम नहीं होता कि अपनी सजा कितनी और बाकी है। अरे अनपढ़ कहीं का, चला। खैर कोई बात नहीं, रात को पूरी नाप देते हैं दीवार। गीता किसी? बिल्कुल ठीक है, कांग्रेचुलेशन, लड़का हुआ है। थैंक यू। क्या हुआ शांति? पता नहीं, मैंने एक अजीब सा सपना देखा है। क्या देखा है? एक अनजाना सा हाथ हमारी मुन्नी के हाथ से खिलौना छीन रहा है और उसकी दूध की बोतल से आधा दूध मांग रहा है। वैसे तो डॉक्टर ने कह दिया है कि अब तो मां नहीं बन सकती हो, मगर फिर भी कल जाकर चेक करा लो, हो सकता है दूसरे की तैयारी हो। नहीं, ये मेरा नहीं हो सकता। ये मेरा नहीं हो सकता। नहीं, सो जाओ,
सो जा, सो जा। बहन, हमारे मजहब में बच्चे को मां से अलग करना गुनाह अजीम है, लेकिन लेकिन मैं मजबूर हूं। मजबूरियां तो खत्म हो गई तेरे गुनाहों के साथ। जीवन हो
समय का है, आशा ही निराशा है, हर खेल समय का है, आशा ही निराशा है, तकदीर के हाथों में इंसान तमाशा है, मैं वक्त की ठोकर से, मैं वक्त की ठोकर से टूटा हुआ दर्पण आ गए। शेर कब तक पिंजरे में बंद रह सकता है? अच्छा वो तुम जेल तोड़कर भाग आए। अबे खांसू हो गए, भाग कर नहीं निकल के आया हूं, लेकिन अभी तक अपने ठुकराइन ज्वाला कैद में है और 50 लाख के सोने की चाबी भी उसी के पास है। उसे जेल से बाहर निकालने का कोई उपाय सोचना चाहिए। ठाकुर तुम? रात की रानी तो हर रोज बनती है, नौकरानी बनेगी? नौकरानी? तुम इस घर में नई नौकरानी रखी गई हो ना, अपना काम जानती हो? जी हाँ छोटे सरकार, आपको स्कूल ले जाना, फिर आपका खाना पहुँचाना, फिर आपको स्कूल से वापस लाना, फिर कुछ नहीं। तो फिर तुमने काम ही क्या किया है? सब काम तो मैंने किया, स्कूल मैं गया, खाना मैंने खाया, स्कूल से वापस मैं आया। लगता है डैडी तुम्हारी पगार भी मुझे ही देंगे। वो तो उसी दिन मालूम पड़ेगा, अभी तो चलिए। पापा ये रहा हमारा रिजल्ट। अरे वाह, हमारी रानी बेटी फर्स्ट क्लास पास हो गई। शांति, ओ शांति जी, देखिए हमारी बेटी 70% नंबर से पास हो गई। माँ का कुछ असर तो बेटी पर होता है। ओ बाप का? वो बेटे पर होता है। ओ पापा, आपने कहा था ना अगर हम 50% से ज्यादा मार्क्स लाएंगे आप हमें कहीं बाहर घुमाने ले चलेंगे। हाँ कहा तो था मगर। नहीं पापा, ये बालों में उंगलियां फिराकर आपका मजाक करना और फिर कान में खुजाकर बात को गोल कर देना, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अजीब बात, तो फिर एक काम करते हैं शादी, कुछ दिनों में हमारी शादी की सालगिरह है, वो आफ्ताब के यहाँ जाके बनाते हैं। ठीक है। क्यों मेरी? ठीक है। आफताब साहब यही रहते हैं? जी हाँ यही रहते हैं। आप कौन साहब हैं? मुझे DIG सागर कहते हैं, मैं आफताब साहब का बचपन से दोस्त हूँ। मुझे करण कहते हैं, मैं आफताब साहब का बेटा हूँ। तुम मेरे डैडी की नकल करते हो? नहीं दीदी, मैं नकल का नहीं अकल का इस्तेमाल करता हूँ। मैं तुम्हारी दीदी हूँ क्या? उम्र से तो तुम दीदी लगती हो, तुमको तो दादी कह दूं? नहीं नहीं मेरे नाना जी, तुम मुझे दीदी ही कहो। सागर भाई जान, शांति भाभी, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर तशरीफ लाइए ना। ये आपके करण साहब रास्ता छोड़े तो हम अंदर आए। प्लीज कम इन। आदाब भाभी, आदाब, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? अरे DIG के बच्चे हैं, क्या हाल है तेरा? गेट टू सी यू।
अरे ये क्या सफेदी लगा ली? डीआईजी का रोब जमाने के लिए? हा? लगा नहीं लिया बेटा, हो गए हैं, वो भी धूप में नहीं हुए। डैडी, डैडी मैं गुड़िया दीदी के साथ खेलने जाऊं? हाँ बेटे जाओ ना, जाओ खेलो। चलो खेले। यार आफ्ताब, इस लड़के की स्मार्टनेस देखकर मैं ये सोच रहा था कि हम लोगों का रामनाथ नाम का कौन सा गहरा दोस्त था जिसका बेटा तुम पाल रहे हो। अरे भाई यार सागर, अपना अपना रामनाथ क्या हो गया तुम्हें? सफेदी के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, जरा दिमाग पर जोर दो फिर याद आ जाएगा। भाई रामनाथ यार। खुजलाना और फिर बालों में हाथ फेरना, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? ये मैंने सीखा नहीं, ये तो मेरी आदत है। आदत है? क्यों, क्या हुआ? मम्मी करण भैया डैडी की नकल नहीं करते हैं, ये तो उनकी आदत है। बालों में हाथ फिराकर कान खुजलाना। आदत है तो क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही थी एक जैसी आदत दोनों की कैसे है। गुड़िया बेटी, तुम्हारे डैडी के साथ पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा करण का? बालों में हाथ फिराकर कान खुजलाना। गुड़िया बेटी, तुम्हारे डैडी के साथ नहीं नहीं मैं जन्म का कोई रिश्ता होगा करण का? कि एक जैसी आदत दोनों की कैसे? करण भैया डैडी की नकल नहीं करते हैं, पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा करण का? एक जैसी आदत में दोनों की कैसे? पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा करण का? कान खुजलाना। क्यों आफ्ताब, कोई खास खबर पढ़ रहे हो? सागर बैठो। कोई खास नहीं यार, जब से तुम डीआईजी बने हो गरम गरम खबरें छपना ही बंद हो गई, ना कोई चोरी ना डकैती, क्या बात है? हाँ यार, डाकुओं पर से याद आया, वो ज्वाला तुम्हारे जेल में है? कौन ज्वाला? वही लड़की जिसे वो जिसके साथ तुमने कुछ दिन और कुछ रातें बिताई थी, वही? हाँ वही। यही थी लेकिन, हाँ पिछले साल उसका ट्रांसफर हो गया। और कोई खास दिलचस्पी हो तो पता लगाऊं? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। देखिए करण साहब, मैं आपके लिए क्या प्रेजेंट लाया हूँ। क्या है अंकल? देखिए खोली तो। पसंद आया आपको? ये रेलवे इंजन है। वो तो मैं देखकर ही पहचान गया और अब आपको भी पहचान गया। मुझे कैसे? अंकल मैंने सुना था कि आप विदेश से पुलिस की तालीम लेके आए हैं। जी हाँ बरखुरदार, स्कॉटलैंड यार्ड से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। मुझे तो लगता है आपने रेलवे यार्ड से तालीम ली है। कहाँ से ली है? मैंने सुना है कि आप विदेश से पुलिस की तालीम लेकर आए हैं। जी हाँ, मैं स्कॉटलैंड यार्ड से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। मुझे तो लगता है कि आप रेलवे यार्ड से तालीम लेकर आए हैं। हाँ हाँ, आपने ठीक पहचाना। अंकल मैं पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, बचपन से ही इंजन की जगह गन चलाता हूँ और ट्रॉफी की जगह बुलेट चलाता हूँ। क्या चलाता हूँ? बुलेट। एक औरत का अपना मर्द वही होता है जो पहली बार उसके शरीर को छूता है। जिस तरह से होने को होने से पहले टाला नहीं जा सकता, उस तरह होने के बाद भी टाला भी नहीं जा सकता। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ, एक औरत की मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ जो पहली बार उसके शरीर को छूता है। अरे सागर,
क्या बात है? कुरान पाक पर हाथ रखो। क्यों? बात क्या है? तुम पहले कुरान पाक पर हाथ रखो। सौत है, सौत के औलाद भी है और मुझे खबर तक नहीं। शांति, यकीन मानो मुझे नहीं पता था। अब मुझे तुम्हारी कोई बात का यकीन नहीं। सिर्फ इतना बता दो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, डाइवोर्स? नहीं शांति, मैं तो और बच्चे को जन्म दे नहीं सकती और तुम्हारे अंदर बेटे की इतनी लालच है कि तुम उस सौत के सपोले को मेरी छाती पर लाकर बिठाना चाहते हो। बोलो ये सच है कि नहीं, बोलो। बेदर्द अंधेरे हैं, बेचैन उजाले हैं। बेदर्द अंधेरे हैं, बेचैन उजाले हैं। कहना है बहुत लेकिन आवाज ताले बहुत देर बाद यह पता चला कि 15 दिन की सजा के बजाय 10 साल की सजा तुमने मेरी वजह से काटी। मेरी शादीशुदा जिंदगी में किसी किस्म का तूफान ना आए, इसलिए मेरे बच्चे की पैदाइश और परवरिश को राज रखा। तुम्हारे इस एहसान को क्या नाम दूं? मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। धरती आसमान से कभी कुछ नहीं मांगती दुल्हन, लेकिन अगर धूप ना निकले, बारिश ना हो तो सब कुछ सूखने लगता है। मेरे प्यार को कर समझ कर चुकाने की कोशिश मत करना सागर। वो सांस तो शायद इस जिंदगी में कभी नहीं ले पाऊंगा जिसमें तुम्हारे एहसान की खुशबू नहीं होगी। अपने बच्चे को अपना नाम देकर भी एहसान खुद पर करूंगा, तुम पर नहीं। मैं धोखा देने के लिए दुल्हन बनी थी, लेकिन दुल्हन बनकर जो कुछ भी हुआ वो धोखा नहीं था। दुल्हन, तुमको कानून से शायद कभी इंसाफ नहीं मिला, मगर कुदरत ने इस रिश्ते में बड़ा कोरा इंसाफ किया तुम्हारे साथ। सागर को तुम्हारी आंखों में भर दिया।
और जवाना मेरे मन में डाल दी। यकीन करो सागर, तुम्हारे मन में रहकर भी मैं ही चलूंगी, तुम्हें आज तक नहीं आने दूंगी और जब तक जिंदा रहूंगी यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा परिवार सुखी रहे। अच्छा अच्छा, तो ज्वाला को नाजायज बेटा है, खबर तो तुमने इतनी बढ़िया सुनाई है कि जी करता डाल दूं तुम्हारी अखों में अपनी आंखें, चूम लूं तुम्हारा मुंह। हाय हाय, हमने तो खड्डा खोद के पानी निकालने की सोची थी, लेकिन यहां तो बरसात ही बरसात हो गई। अब हम ज्वाला को जेल से बाहर नहीं निकालेंगे। सागर बाबू, सागर बाबू, क्या बात है? एक आदमी ने सागर बाबू के नाम चिट्ठी दी। किसने भेजा ये? किसी दुर्योधन सिंह ने। आपने दुर्योधन के मरने की झूठी खबर सुनाकर परसों तक ज्वाला को राख में छुपाए रखा, लेकिन आज उसका नतीजा ज्वालामुखी की शक्ल में सामने आया है। क्या हुआ? दुर्योधन ने जेल से भागकर मेरे बेटे को और सागर की बच्ची को अगवा कर लिया है। अगवा कर लिया? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको मुझसे हिसाब बराबर करना है। लेकिन तुम क्या करोगी गीता? ये काम पुलिस का है, कानून का है। नहीं आफताब भैया, इस काम को सिर्फ मैं ही अंजाम दे सकती हूँ। ये जानते हुए भी कि दुर्योधन को मुझसे जो चाहिए उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ है, फिर भी मुझे जाना होगा। नहीं गीता, तुम नहीं जाओगी। मुझे छोड़ दो आफताब भैया। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं गीता, नहीं, नहीं, नहीं। गीता, ये क्या कर रही हो? खुदा हाफिज आफताब भैया। कुरान, कुरान मजीद 786। जानता था कि तू जरूर आएगी, उस छोरी के लिए नहीं तो अपने आराम के पिल्ले के लिए तो जरूर आएगी। छोरे एक बात तो बता, ये जो सोना है ना, ये खरा है कि तेरे हराम के पिल्ले की तरह खोटा है? नहीं नहीं दुर्योधन, ये देखो, ये देखो और ये देखो। ये क्या है? तमंचा है? काय को मजाक करे छोरी?
अगर तुझे दोनों बच्चों की जिंदगी चाहिए ये तमंचा मेरे हाथ में दे दे देना ये पकड़ ले बे। भाई सोना तो मिल गया, भर गई मेरी जेब, पर अभी तक मेरा भरा नहीं। दे वो क्या है कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम द्रोदन ऐसे थोड़ा रख दिया। की जिंदगी मांगती है से घेर लिया है। अबे खोल चुके, जब मुंह खोलता भेड़ा कर कर देता है। इधर आता मंचा घूम डाल सबको। बच्चों पे गोली मत चलाओ, इन्हें जिंदा पकड़ के लाओ, भागो। Thank you.
बच्चे मर जाएंगे दरोगा। जगह ले आई है जहां तुमने मेरी भाई की हत्या की थी, मैं भी तुझे उसी तरह मारूंगी। ये है तेरी घड़ी, इसके संगीत के बंद होने से पहले अगर तुम मेरे खेत को पार कर गया तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। चल भाग, भाग यहां से। Oh.